ठीक है, ध्यान से देखना। नहीं, चलो ग्रेविटेशन की जब बात करेंगे तो ग्रेविटेशन बेटा क्या होता है, ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। अगर थोड़ा सा हम लोग याद करें, जब तुमने बच्चे थे तब क्या करते थे, हाँ तब तुम लोग एप्पल देते थे पेड़ से गिरता, अब तुम उठा के खा लेते थे। लेकिन न्यूटन अंकल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारे पास आज क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो जब हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान से सुनना बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अगर ये एक फोर्स है और ये अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, विद अ फोर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद अ फोर्स, विद अ फोर्स। किसकी कहानी आ गई बेटा, फोर्स की, किसकी कहानी आ गई, फोर्स, तेरी कसम पूरा पढ़ाऊंगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किससे अट्रैक्ट करता है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, विच इज directly proportional to, which is directly proportional, directly proportional का मतलब क्या होता है, ऐसा साइन बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर x is directly proportional to y, इस बात का मतलब ये हुआ कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x कम हुआ तो y भी कम होगा। तो ये directly proportional किसके है, it is directly proportional to product of their masses, product of their masses, यानी कि अगर एक का मास हम लोग क्या लेंगे m1 और दूसरे का मास क्या लेंगे m2 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा m1 into m2, तो अगर m1 into m2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, और m1 into m2 की वैल्यू कम होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, रुको एक मिनट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग कैसे लिखते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग कैसे लिखते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग कहां में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, और x कम होगा तो y बढ़ेगा, क्लियर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो d का स्क्वायर के ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा दूर हुए उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा, और वो जितने पास हुए उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया बेटा, यहाँ मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना था m1, यहाँ मैंने एक और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है m2, जिसका मास कितना है इसका मास कितना है m2। अब m1 और m2 के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है d,
आ रही है बात समझ में? तो जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m1 into m2 upon में d square. Is that clear? कहानी आगे बढ़ाएं, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दुनिया की हर चीज, हर दूसरी चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. मतलब समझो ये पेन है, ये इस टेबल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये टीवी है, ये इस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, हर एक चीज हर दूसरी चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में बहुत वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में बहुत वीक फोर्स होता है, जिस वजह से हमें ये चीजें एक दूसरे से चिपकती हुई नजर नहीं आती. क्यों, हमें कैसे पता, या इतना कितना वीक होता है कि जब न्यूटन अंकल ने बोल भी दिया क्या कि अट्रैक्ट करती है, उसके बाद भी नहीं चिपक रहा, तो हम लोग बोलते बेटा जब भी लाइफ में हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन में क्या डी स्क्वायर, यही लिखा. जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह क्या आएगा, इक्वल टू का साइन, और इस इक्वल टू के साइन के साथ हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को यहाँ हम लोग के ना लिख कर क्या लिखेंगे, कैपिटल जी. इस कांस्टेंट को यहाँ पर हम लोग के ना लिख कर क्या लिखेंगे, कैपिटल जी. जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा ये, और इसकी जगह हम लोग इक्वल टू का साइन लगवा दे, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कॉन्स्टेंट जी. कभी के लगाओ कभी जी लगाओ, जो भी, यहाँ मैं जी लगा रही हूँ, आगे बताऊंगी क्यों. किसी भी चीज की होता है, किसी भी वेरिएबल, एबीसीडी भी लिखना है तो एबीसीडी को, क्योंकि लॉ है. तो कॉन्स्टेंट लगाया क्या जी, बाकी तो एम वन इंटू एम टू को क्या लिख दिया, एम वन एम टू अपॉन में क्या डी स्क्वायर. तो बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है. ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट नेसेसरी लग सकता है, ठीक है ना. अब ये जी क्या है, अब ये जी क्या है, जब तक जी की डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन लॉ डिक्टेट करवा दूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ध्यान से देखो, हम लोगों ने बोला कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सुनो, ध्यान से सुनना, क्या ये वैल्यू तुम्हें लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी? हाँ, क्या ये वैल्यू तुम्हें, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. क्या ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 वाली वैल्यू हमें लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी? तो जवाब है क्या, हाँ, ये वैल्यू हमें लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी, वो इसलिए करनी पड़ेगी, जब तुम ये वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो इस वैल्यू को जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगी 0.000000000. आई बात समझ में, क्या ये वैल्यू बहुत छोटी है? हाँ, यही रीजन है कि मैं बॉटल टेबल की तरफ मूव करती हुई दिखती, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक फोर्स है क्या? हाँ, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 11 वाला फोर्स है, यानी कि इस फोर्स का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम. तो क्या ये अर्थली ऑब्जेक्ट पे दिखता है? हाँ, यानी कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg, जिसका मास कितना है 1 kg, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है मेरी, खुद अर्थ, जिस दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है मेरी अर्थ, तो अर्थ क्या कर रही है, m1 को अट्रैक्ट कर रही है. अर्थ क्या कर रही है, m1 पे फोर्स लगा रही है, कितना लगा रही है,
अर्थ का मास होता है 6 × 10^24 केज। अर्थ का मास कितना होता है? आप ये मास हमेशा हम लोग कहां से देखते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ से। ये मास हम लोग कहां से देखते हैं हमेशा? यानी कि अगर ये मेरी अर्थ है और ये इसका सेंटर है, और ऑब्जेक्ट M1 कहां रखा होगा? यहां पर ऑब्जेक्ट M1 कहां रखा होगा? अर्थ की सरफेस पर। ऑब्जेक्ट M1 कहां रखा होगा? अर्थ की सरफेस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट M1 अर्थ की सरफेस पे रखा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अर्थ का रेडियस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अर्थ का रेडियस। यानी कि डी इक्वल्स टू क्या होगा? डी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? आर। और आर इक्वल टू क्या होगा? 6400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.6। ये बेटा सिर्फ रेडियस, रेडियस है, एरिया नहीं है, सिर्फ रेडियस है। 6.4 × 10^6 meters। कितना होगा? 6.4 × 10^6 meters। Is that clear? अब इन सारी values को जब हम लोग force के formula में put करेंगे, जब हम लोग इन सारी values को क्या करेंगे? Force के formula में put करेंगे, तो क्या होगा बेटा? F is equals to, पहले तो G का value आएगा 6.67 × 10^-11 into, पहला ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10^24 kg। एक मिनट रुक जा। 6 × 10^24 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर, दैट इज 6.4, that is 6.4 × 10^6 का होल स्क्वायर। अरे यही तो फॉर्मूला भी ऊपर लगाया, जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। जी कितना है? ये m1 कितना है? ये m2 क्या है? ये। और डी कितना है? ये। जब भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 9.8 meters per second square, 9.8 newton। कितना मिलेगा? 9.8 newton। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस से बड़ा हुआ है, कितने किलो का ऑब्जेक्ट? 1 kg का ऑब्जेक्ट, उसको जब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो कितने फोर्स से करती है? 1 newton के फोर्स से करती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो कोई परेशानी? 2 मिनट। देखो, F is equals to G M1 M2 upon में D square। ये हमारा फॉर्मूला है ईशा। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है कार्तिक? न्यूटन, है ना। G का यूनिट मेरे को पता, मर्ज्यूम कर लेते, पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं है, है ना। क्या M1 का यूनिट kg होगा? क्या M2 का भी यूनिट kg होगा? क्या डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा? तो जब हम लोग ये मीटर स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और क्या ऐसे लिख सकते हो? जी इंटू kg का स्क्वायर, क्योंकि kg इंटू kg क्या होगा? kg का स्क्वायर। यानी कि जी का यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। क्या यूनिट यही लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर? तो ये यूनिट कहां से निकल कर आता है बेटा? यहां से निकल कर आता है। इज इट क्लियर? अरे यार, एक सेकंड, अरे यार, स्टॉप रिकॉर्डिंग।